नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामाहा MT 15 के BS6 मॉडल के बारे में। बहुत सारे लोग इस बाइक के लिए वेट कर रहे हैं और फाइनली आज किस वीडियो में हम इस बाइक की लॉन्च डेट और सारी डिटेल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें सक्षम खरे चैनल को और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो इस बाइक में आपको देखने को मिलता है 150cc का 4-stroke 4-bar लिक्विड कूल F5 BS6 इंजन, जिससे आपको देखने को मिल जाता है 18.4 bhp का पावर। और अगर हम बात कर ले मैक्स टॉर्क के बारे में, तो इस बाइक से आपको देखने को मिल जाता है 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो इस बाइक के BS6 मॉडल में आपको BS4 मॉडल के मुकाबले 1 bhp कम पावर देखने को मिलता है, लेकिन इस बाइक से आपको टॉर्क उतना ही देखने को मिल जाता है जितना कि आपको इस बाइक के BS4 मॉडल में देखने को मिलता है। दोस्तों, यहां पर अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक की ब्रेकिंग के बारे में। तो इस बाइक में आपको देखने को मिलता है फ्रंट में डिस्क ब्रेक प्लस सिंगल चैनल ABS और रियर में तो इस बाइक में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल ही जाता है। तो इस बाइक की ब्रेकिंग में यहाँ पर आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें इस बाइक की माइलेज के बारे में, तो इस बाइक की माइलेज भी यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि इस बाइक में आपको 1 bhp कम पावर देखने को मिलने वाली है, इसलिए इस बाइक की माइलेज भी यहाँ पर थोड़ी बहुत इंक्रीज होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक के मॉडल के बारे में। तो इस बाइक के मॉडल में यहाँ पर आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलने वाला है। जैसा मॉडल आपको इस बाइक के BS4 कंप्लायंट में देखने को मिलता था, बिल्कुल वैसा ही मॉडल आपको इस बाइक के BS6 कंप्लायंट में भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस बाइक में आपको एल्युमिनियम श्रृंगार देखने को मिल जाए। दोस्तों, यहां पर अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक की एक्सोरूम प्राइस के बारे में। तो अगर आपको इस बाइक में एल्युमिनियम श्रृंगार देखने को मिलती है, तो इस बाइक की जो प्राइस है वो यहाँ पर 10-15,000 रुपीज इंक्रीज होने वाली है। लेकिन अगर आपको इस बाइक में एल्युमिनियम श्रृंगार देखने को नहीं मिलती है, तो इस बाइक की जो प्राइस है वो यहाँ पर 4-5,000 रुपीज इंक्रीज होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक की लॉन्च डेट के बारे में। तो ये बाइक आपको BS6 कंप्लायंट के साथ दिसंबर के लास्ट तक इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। और अगर आप लोग इस बाइक के BS4 मॉडल को खरीदने की सोच रहे थे, तो आप लोग इस बाइक के BS6 मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि इस बाइक में आपको माइलेज ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि इस बाइक में आपको एल्युमिनियम श्रृंगार देखने को मिल जाए। तो इस बाइक के बारे में यही न्यूज मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइड सेफ। जय हिंद।